तो गाइस फाइनली मैं इस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ। राम सीता के पति का क्या था? अरे माफी सरकार, माफी प्लीज, माफी माफी, तेरा घर जाएगा। सॉरी ना दीदी, कसम। ये वाला व्लॉग शुरू हो रहा है हमारा कार के अंदर से, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, आज आई वाज सपोज टू वेक अप एट 7, बट व्हाट हैपेंड, थोड़ी सी नींद ज्यादा आ गई थी एंड मैं जस्ट उठ करके अभी घर ही जा रहा था। और आज ना हमारा गाइस कर्मा का शूट हो रहा है, एंड उसके लिए पता है आई हैव टू पिक दीक्षा दी। मैंने दीक्षा दी को ना 7 बजे बोल दिया था कि आप उठ जाना 7 बजे, हम आपको पिक करने आएंगे, एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। इतनी गालियां पड़ रही है ना दीक्षा दी के एंड से। फिलहाल अभी गाइस मैं आर्यन को लेने जा रहा हूँ, तो यार अभी मैं जा रहा हूँ आर्यन को पिक करने के लिए, बिकॉज ही इज द कैमरामैन एंड सारा गिम्बल गुम्बल का सामान, सारे मेन कैमरा जिनसे हमारा शूट होने वाला है वो उसी के पास है, एंड उसके बाद हम लोग अपनी मौत के पास जाएंगे दीक्षा दी के पास। दीक्षा दी इतना आग बबूला और रखे ना भाई कि मुझे क्यों नहीं पिक करा, मुझे क्यों 7 बजे से बिठा रखा है, मेरे को नाश्ता क्यों नहीं करवाया, फटाफट आर्यन को पिक करते गाइस। तो गाइस हमारा कैमरा मैन आ चुका है। आज तो खत्म भाई, मेरी गर्दन तो गई, तुम भी गए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दीक्षा दी के घर, एंड चेक दिस आउट गाइस, यहाँ की रोड है ना इतनी खराब है ना, मैं इससे अच्छा ना लद्दाख चला जाता हूँ भयंकर। वो तो शुक्र हम लोग थार लेकर के आते हैं, हायाबूसा तो इधर नहीं पहुंचने वाली है। फिलहाल अभी दीक्षा दी का प्रकोप झेलने वाले, बहुत गुस्सा करने वाली है बहुत गाइस। दीक्षा दी मेरे को टेक्स्ट कर रही है, ब्रो आई एम नॉट गोइंग विद यू, आई हैव लॉट्स ऑफ अदर वर्क टू डू। चिढ़ गई भाई खतरनाक। गाड़ी लॉक कहां से होती है गाइस, गाड़ी लॉक। अरे माफी सरकार, माफी प्लीज, माफी माफी। मैं नहीं खोल रहा भाई, मैं नहीं जा रहा हूँ। अरे माफी तो माफ, सुनो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सॉरी ना दीदी, कसम। अच्छा गले में लेते, गले में लेते। 7 बजे से उठी हुई। सॉरी ना, डॉग दिन चू, लो ला। चलो आपको कुछ सब कुछ खिलाऊंगा जो तो बोलोगे आप, जूते एक और जोड़ी जूते लेके आऊंगा। चलो आ जाओ, चलो चलो। अरे हो गया दीदी कॉम्प्रोमाइज, मान गई, मान गई, मान गई, दीदी मान गई, दीदी मान गई। ला ला ला, चलो। सारे 7 बजे से सारा मैं ऐसे बैठी हूं। इसने करी आपकी कसम, अभी इस कैमरे ही नहीं था, क्या करते बताओ। तू कहां था? इससे इसने कराई, इसने क्या बोला। 8 बजे में इसके घर था और इसने कैमरा नहीं रखा हुआ था, क्या करते बताओ। फिर कैमरा लेने गया। अरे बहुत तुम लोगों का बड़ा कीमती है दीदी, समझो ना, चलो ना। 7 बजे से कैसे समझू, गाड़ी से 7 बजे से यहाँ पहुंच रही हूँ मैं। हट तो गाइस हम लोग फाइनली दीक्षा दी से मिल चुके हैं। मैंने कहा आज तो गर्दन कटी कटी, बट अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं शूट के लिए। कपड़े रख लिए अपने, 4-5 जोड़ी रख लेना है ना कम से कम। उनसा भैया आपका स्टैंड देखो, ये बाबू राव का स्टाइल। गाइस ये चेक करो, ये तकिया क्या सोने आ रहे को दीदी तार में है, तुझे पता नहीं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे घर। व्हाट इज अप मम्मी, आपको एक चीज दिखाते, इधर 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 इस बारी ना मैं बहुत अलग अलग वैरायटी लेकर के आऊँ। अलग कौन सी है, सारे काले ही। अरे काले उनका डिजाइन बनाएंगे, सफेद में, सफेद टी शर्ट में। ये तो वो जॉगर्स हैं, जॉगर्स लेकर आ रखा। ये देखो 50 के दो, 50 के दो, 50 के दो। दीक्षा दी को घर लेकर के आया, तो फिर खाना भी खिलाना पड़ेगा, तो अभी मम्मी खाना लेकर के आ रही है। साइज बहुत बड़ा ही नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा। आप तो रिश्ता ही जाएगा आपके लिए। अगर दीदी ने सांस छोड़ दिया ना तो ये बटन बुटन सब फट जाएगा इस साइड से, है ना। जाओ जाओ ला ला, शूट करो ला। जूता पहन के 80,000 की चूजे, 80,000 की दीदी की जॉब लगने वाली। मम्मी 25,000 रुपए की अब छोड़ रहे।
ऐसे ही हो गया मेरा सामने से कॉल आया कि प्लीज ले लो आ जाओ प्लीज आ जाओ। तब मैंने फिर हाँ बोल दिया। फिर बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, सब सही? बस आंटी क्या बताए, बस हम तो बता ही नहीं सकते, इतना दर्द हो गया है ना, बता ही नहीं सकती, वो लोगों में बयान नहीं हो सकता। उसको हटाइए, जूलू तो था ही नहीं उस टाइम। अरे तो क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा। एक लाइट लगी उधर, ये पूरी प्रोफेशनल लाइट्स हैं। और मम्मी कैसा लग रहा है, आपको लगता था कभी हम लोग शूट करेंगे ऐसे घर में? तुझे लगता था मुझे छोड़ दो, तूने सोचा था कभी इतनी चीज हो जाएगी तेरे लिए? सोचा था तूने कभी? दीक्षा दी के अंदर बातें करने का टैलेंट इतना है ना, बस इसीलिए पूरी दुनिया का फायदा इसने उठा लिया। मैं जब दीक्षा दी के साथ व्लॉग बना रहा था ना, मैं ना पूरा आधे घंटे का व्लॉग बना सकता हूँ। फिलहाल अभी हमारी पूरी टीम वहाँ पर बैठी गाइस, एंड अभी हम लोग ना शूट शार्ट कर रहे हैं, बिकॉज हम लोगों को गाने के लिए थोड़े हैप्पी मोमेंट्स चाहिए। और उसके बाद कर्मा वाले शॉर्ट्स है ना, बिच करके दिखाने दे रही एक सेकंड। तो यार उमेश भाई वहाँ पर खड़े हैं, एक शुभम भाई और और फिर दीक्षा दी की वेडिंग का खर्चा खत्म, लाइट कैमरा मैन भी है हमारे पास, एक्शन बोलने वाला उधर बैठा हुआ है, और गाने गाने वाले भी है हमारे पास, दोस्त मेरा साथ, एक्शन बोलने वाला भी पीछे बैठा हुआ है। सब चीज का अरेंजमेंट हो चुका है। फिलहाल अभी एक शॉट ले रहे जिसमें मैं दीक्षा दी को दूंगा ये वाली दूना है ना। तो अभी हम लोग ये चॉकलेट दे रहे हैं दीदी को शॉट के लिए, और ये गाने में भी यूज होगा, पीछे से शूट हो रहा हमारा, देख रहे हो भयंकर कितना रियलिस्टिक शूट करते हैं हम लोग। और ये केक गाइस, ये केक एक सब्सक्राइबर लेके आता है हमारी वीडियो के लिए यूज हो गया, कोई बात नहीं है ना। मेरी माँ और ये दीदी जैसे बेटी होती है इनकी, मेरा तो इस घर में रहना बहुत कलेश हो जाता है कसम। इनकी ऐसे ऐसी प्लानिंग चल रही है ना, शॉर्ट पता क्या कि मैंने ना पहले दीक्षा दी को केक खिलाना है तो मम्मी बहुत खुश रहेगी, और फिर जब मैं मम्मी को केक खिलाऊंगा तो दीक्षा दी मेरे को कनिंग नजरों से देखेगी। मम्मी बोली थप्पड़ थप्पड़ मत मारना, मेरे को कोई सेंसेस बात का भाई, हाथ धो गए मम्मी, बहुत लग रही थी पर सेंस ला करे टूट 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 टूट। हेलो, एकता कपूर बुला लेगी दीदी आपके, उसके बाद मैं कैरेक्टर में घुस रही हूं क्योंकि अब मजा आ रहा है। मैं कहा था ना शूट्स बहुत फन होते हैं, कहां 8000 रुपए की जॉब करी थी दीदी, ऐसा मत बोल, फिर मैं बोल रही हूं मेरी नौकरी को कुछ नहीं बोल रहा, बोला ना मैंने 8 से ज्यादा थी, और 8500 गाइस इससे ज्यादा। सुन 17 में काम कर रही थी मैं, 25 दे रहा हूं दीदी को, मजा आ गया गाइस, 10 सच मत मान लेना। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अभी नागिन वाली बिंदी लगा के आऊंगी कैरेक्टर में। फिर गाइस मैं आज आप लोगों को आपके बाबू भैया की खूबसूरती का राज बताना चाहती हूँ। ये देखिए लैक्मे 95 जिससे कि आपकी त्वचा एकदम सुंदर कोमल और नरिशिंग रहती है, ये देखिए आपके बाबू भैया इसी से गोरे लगते हैं, वरना तो इनकी चमड़ी थोड़ी काली है, ये देखिए दिल तो गोरा है ना कम से कम, दिल तो तेरा बहुत गोरा है। यार आज का व्लॉग ऑलमोस्ट ना एडिट हो गया है, लेकिन दीक्षा दी एक क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपने आंसर दे देना मम्मी कसम अब भी 10,000 रुपए दूंगा आपको, ठीक है, रेडी आप? राम सीता के पति का क्या था? राम सीता के पति का क्या था, पति ही तो था। राम सीता के पति का क्या था? हाँ भाई, राम सीता के पति का क्या था? राम खुद ही तो पति था उनका, सीता माता का। ये वाला व्लॉग यहीं पर पॉज करो और कमेंट में बताओ मेरे को राम सीता के पति का क्या था, और जो सही बताएगा ना उसे गुलाबी दिल दूंगा, ये दोनों तो गलत है। हाँ भाई, राम सीता के पति का क्या था? भाई तुम्हें तो हिंदू से माले, गाइस जितने भी हिंदू कट्टर दल ये देख रहे हैं उसको पकड़ो गाइस। राम सीता के पति का पति तो राम ही तो था, राम सीता के पति का क्या था? क्वेश्चन ही ऐसा है ना, दिमाग पति था, पति तो था वो, तूने कहां पे दिखा ना ये बता ना। अरे मुझे पता है, मैंने खुद बनाया, मैंने कहा देगा, मैं खुद पूछ रहा हूँ राम सीता के पति का क्या था? राम सीता के पति का पति था। गाइज अभी वो 5G फोन इंडिया में नेटवर्क लॉन्च हो रहे हैं, इसके पास ऑलरेडी एक फोन है। बताओ भाई राम सीता के पति का क्या था? वो लाइव लोकेशन मांग रहे व्हाट्सएप पर, टेक्स्ट आ रहे। सुन लाइव लोकेशन क्या, वीडियो कॉल करने के लिए। एक सेकंड, फिर से बोलना। राम सीता के पति का क्या था? राम सीता के पति का नाम था। सुनाओ, कैसे था? तुमसे लड़ने लगी थी दीक्षा, तीसरे लगी थी भाई। टीम में वादा कर
दीदी कॉमन सेंस, घुटनों पे मालिश करो रोज सांडे के तेल से। तू कर देना, तू कर देना। मैं अपनी बंदी का करूंगा, आपकी करूंगा। राम सीता के पति का नाम था गाइस। तो यार फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली वी आर जस्ट कंप्लीटिंग द शूट एंड बहुत सारे से शॉट्स हैं ना जिनके लिए हम लोगों को बहुत सारी चीजें लेने जाने हैं। तो अभी आर्यन और मैं जा रहे हैं 10 आर पर गाइस, कुछ कुछ बुके और फूल्स लेने के लिए, कुछ सिनेमैटिक शूट करने हम लोगों ने। तो एको को हम लोगों ने कोल्ड स्टार्ट कर दिया गाइस, निकालते हैं ऐसे और चलते हैं। भर लिया पेट दीदी, इसके पैसे लगेंगे, काट लियो चल। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी सामान लेने के लिए। दीक्षा जी को थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करें बिकॉज अभी इन्होंने खाना खाया है एंड ये इनका पहला शूट है, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा टेंस हो रखी है, बट रेस्ट करने देते हैं, बाकी हम लोग सामान लेकर के आते हैं। तो गाइस एको को लेकर के आए थे हम लोग एक शॉप पर। एक्चुअली हम लोगों को ना कुछ रोज पेटल्स और माला चाहिए थी, ये हमारा DOP सजेस्ट कर रहे हैं जो भी हम लोग ले रहे हैं एंड बहुत सही डायरेक्शन जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोगों ने फूल फाल ले लिया, तो घर चलते हैं बिकॉज आज हम लोगों को ना 3 शूट और निपटाने हैं एंड शाम को हम लोगों को ऋषिकेश भी जाना है। तो बहुत सारा काम है यार, मैं बहुत रश में शूट कर रहा हूँ एंड मैं ज्यादा दिखा भी नहीं सकता बिकॉज फिर क्या रहेगा, गाने का मजा खराब हो जाएगा। गाड़ियां घर से बाहर निकल चुके हैं और पापा भी आ चुके हैं घर पे। पापा आज आपके घर में एकदम शूटिंग शूटिंग वाला माहौल चल रहा है एकदम। तेरा घर का है मतलब? मेरा घर भी यही है बट ऐसे ये लेना है इसमें, ये नहीं लेना, लेना। तो ये बोल रहा ना कि तुम्हारा घर ठीक हो गया, क्या बोल रहा है? साफ हो गया तेरा घर जाएगा। मेरा घर जा चुका है पापा, ये देख रहे हो ये वाले शूज, ये देख रहे हो पापा 80,000 के शूज, 80,000 के। तू और घर पे बोल रहा। ये ऑलरेडी जा चुका है। फिलहाल अभी गाइस कुछ सिनेमैटिक ले रहे हैं। आज मैं बहुत समय बाद ऋषिकेश से यहाँ तक बाइक भीगते हुए आया। अब मेरा मैंने आज 2 नए टायर चढ़ा दिए। ओके और गाइस मैंने सुबह पापा के अकाउंट में ना 20,000 रुपए ट्रांसफर करे हैं। मेरा बैंक बैलेंस दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। मम्मी बोल रही बढ़ता जा रहा है। अबे देख तूने 20,000 डाले ना, मेरा चैलेंज है 10 दिन के अंदर 2 लाख से 20 लाख रुपए के अंदर नहीं आए अनएक्सपेक्टेड तो नाम बदल ले। फिलहाल गाइस कर्मा की जो स्टोरी लाइन है ना, मैं एक हिंट दे देता हूँ आप लोगों को, दैट इज ऑल अबाउट अ बिग मेजर थिंग। कुछ सिनेमैटिक डाल रहा हूँ, जिन लोगों को समझ में आएगा कॉमेंट करना किसके रिलेटेड है। फिलहाल प्ले करते हैं गाइस म्यूजिक और कॉमेंट डाउन कि क्या होने वाले है कर्मा की स्टोरी। वोट फॉर गाइस, वोट फॉर भाई, वोट फॉर कंप्लीट। मजा आ रहा है दीक्षा शूट में, इधर करना जरा। मैं सही बता रहा हूँ, कुछ लोगों के मेरे पास ऑफर आए थे कि अपने बेटे को ना हमारी पार्टी में ज्वाइन करा दो। मैं सही बता रहा हूँ, पॉलिटिक्स और पुलिस वालों से दूरी रहना अच्छा है हमारे लिए, तो दोनों में हमारी चुल बची हुई रहती है। पुलिस बगल वाले बुलाएंगे, पॉलिटिक्स में बुलाऊंगा, चिंता क्यों करनी। पापा बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से पीछे। हाँ हाँ वो कह रहे थे, ये धूल का फूल उठा रहा हूँ मैं। तो हमारा शॉट कंप्लीट हो चुका है। अरे पापा यहाँ पर पहले था फूल का धूल, पहले फूल को धूल में मिलाया, अब धूल का फूल बन रहा है फिर से। लीजिए सर लो। ला दीदी एक शूट कंप्लीट हो चुका है, ये माला आप घर में लेके जाना है टंगाने के लिए। दिवाली में फूल चाहिए लगा दूंगी। देयर ऑलमोस्ट वी आर डन विद द होल शूट, बस अब एक दो शॉट्स और बचे हैं और उसके बाद एक मेन शॉट बचा है जहां पर मेरे को ना इन्हें प्रपोज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को बुके भी लेके आने पड़ेंगे। जिंदगी में किसी ने प्रपोज तो किया नहीं होगा। 16 साल के नाबालिग बच्चे। तो एक शॉट के लिए यार अभी हम लोगों को बुके लेने जाना पड़ेगा। हम लोग ना बुके लेने गए थे बट हम लोग भूल गए। क्या नहीं मिला? बुके पापा, हम भूखे हैं सुबह से। पापा भूखे, हमें भूखे, हमने नहीं खाया। मैं बताया ना गाइस, मेरे व्लॉग में अगर मेरी बेइज्जती ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। भाई फूल नहीं गिर रहे, ऐसे दोबारा गेंदे का बना लेना, गेंदे का ही एक पूरा तोड़ देना, गेंदे का हो तो ठीक है जरूरी। गाइस ब्रो सीना ऑलवेज देयर 12, हमें फूल दोबारा कलेक्ट करने पड़ रहे हैं बिकॉज़ हमारा शूट नहीं आया दोबारा से। और ये बच्चे उसमें ब्लॉग में आएंगे? हां सब कल के ब्लॉग में गाइस सब लोग आएंगे। चलो चलो मालिक, जब इतना खर्चा हो गया तो 2-4 बच्चे और बुला ही लेते हैं। और तो नहीं है गली में खड़े बच्चे। और उसने पॉलिथीन भी तो फेंकी थी नीचे, यही तो थी, यही पॉलिथीन फेंक दी। So guys, famous होने का बस यही फायदा होता है कि सब लोग हेल्प करने आ जाते हैं। What's up बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। एक बच्ची ये भी हमारे साथ, सब लोग हेल्प आउट करा रहे हैं। एक्चुअली हमारा ना फूल बहुत कम है तो हम लोगों को दोबारा शूट करने के लिए जाना पड़ेगा ऊपर, मेरे को जाना पड़ेगा गाइस। बट थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी फॉर हेल्पिंग आउट गाइस। ये चिल्लर पार्टी हमारे लिए करके चॉकलेट, थैंक यू सो मच गाइस। पता है ना किस चीज का धंधा खोलेगा अपन? चॉकलेट। और फिर अपन अमीर हो जाएगा गाइस। थैंक यू सो मच। हां बाय 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 गाइस। अच्छा आप तो चॉकलेट खाते नहीं ना? ओके गाइस मुझे कभी कभी शक होता है दीक्षा दीपी की लड़की है, क्योंकि एक भी लड़की वाली हरकत नहीं, एक भी लड़की वाली हरकत नहीं गाइस। क्यों, मैंने क्या कर दिया? लेडी बॉय।
तो यार ऑलमोस्ट हमारे सारे शूट डन हो चुके हैं, बस अब एक मेन शूट बचे हैं जहाँ पर ना मेरे को दीक्षा दी को प्रपोज कर रहे हैं और मैं आपको ना शॉर्ट समझा देता हूँ। तो बेसिकली शॉर्ट क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों को ऋषिकेश जाना है एंड मैंने आपको ऐसे करके प्रपोज कर रहा हूँ, ये ऐसे करके मुझे भी ऐसे करके तुझे रोकना है, आपको आपको उस पर आना है घुटनों में और फिर मेरे को ऐसे प्रपोज करना है, उसके बाद एक हक करना है, सही है, और उसके बाद मतलब जब आप मेरे को हक करोगे तो फिर क्या करना है, ये रोज आपके पीछे होगा, मतलब ये इस साइड पे पीछे होगा, तो आप ये रोज पकड़ के फिर मतलब आप बहुत गंदी सी स्माइल दोगे पीछे पकड़ के और फिर आप ये रोज फेंक दोगे। तो गाइस फाइनली मैं इस लड़की को प्रपोज करने वाला हूँ वीडियो म्यूजिक वीडियो के लिए, और कोई लौंडा तो किसी लौंडे ने प्रपोज किया कसम, मेरी कसम सारे पैसे तो नहीं किया, ऐसे तो किसी ने भी नहीं किया, अगर मेरी शक्ल इतनी अच्छी होती ना कसम से इस मोहल्ले तक मैं लौंडो की लाइन लगा के खड़े हो रहा हूँ। मेरा कुछ ऐसा नहीं की मोहल्ले में मैं लड़का ढूंढते फिरू मैं, और तुम अंदर कहाँ से घुस गए भाई, है अंदर कहाँ से घुसे तुम लोग भाई, कोई भी घर में घुस जाता है। हाँ हो गया, तो यार फटाफट हम लोग अब निकल रहे हैं ऋषिकेश, बिकॉज अभी थोड़ी सी लाइट है एंड वी रियली वांट टू शूट इट इन लाइट। घर में मत घुसने दिया करो किसी को भी, है ना, ये बच्चे देखो कहाँ बच्चे हैं वो, कोई बात नहीं बच्चे हैं भाई, कुछ टप टपाए तो नहीं, ना, नहीं अरे मजाक कर रहे हैं आराम से, बट मैं देख रहा हूँ घर में घुसे मेरे बच्चे। तो बेसिकली गाइस अभी हम लोग लेकर के जा रहे हैं दो कार, एक कार हमारी दीक्षा पापा, जिन पिछले चार ब्लॉग्स में वो खाते ही नजर आए चिप्स, ये जो हमारा चकना है ना यहाँ पे ऐसे खर्च कर रहे हो कपड़े ऐसे थोड़ी टाइट हुए हो रहे हैं। तो यार एक गाड़ी ये जा रही है हमारे पास और दूसरी गाड़ी लेकर के जा रहे हैं हम लोग थार, बिकॉज एक गाड़ी में ना बहुत सारे लोग हैं एंड फिर सामान भी है, बाकी प्रिंसेस को ना खुशी रखना पड़ता है तो इनके लिए अलग से गाड़ी लेकर के जाते हैं हम लोग थार। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश एंड वी आर हियर फॉर द शूट। एक्चुअली हम लोगों को पहले त्रिवेणी घाट जाना था बट वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी इसलिए हम लोगों ने अपनी गाड़ियाँ ना बहुत ऑफ पार्क करी है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को पार्किंग मिली है, पार्किंग भी क्या ही मिली, हम लोगों ने मेन रोड पे पार्क करी है और वहाँ जा कर के अब शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है बिकॉज आज संडे यार एंड बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, बट लेट्स गो गाइस। वॉइस हम लोग अभी आए थे ऋषिकेश एंड ऑलमोस्ट हमारा शूट ना पूरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत खतरनाक शूट करा हम लोगों ने, एक्चुअली जनता हो गई थी तो फिर यू नो थोड़ा सा शूट जल्दी वाइंड अप करना पड़ रहा है एंड अभी दीक्षा दी को फोटो खिंचा रही, गिरना मत पानी में मालिक, घुस मत ना क्या मूवी में मेकअप उतर चुका है। कैसा लग रहा है आपको पहली बार इस पब्लिकली शूट करके, बहुत अच्छा, ऑकवर्डनेस फील ही स्टार्टिंग में, बस जब एक बार आप इससे ओवरकम कर जाते ना उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहती, वैसे लाइट्स कम है आंखों में और घुसा दे तो मेरे प्लान शुरू हो गए। फिलहाल अभी फोटोज खिंचा रहे, थंबनेल भी लेंगे। फाइनली हमारा शूट डन हो चुका आज का, एक्चुअली भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी यार, सो वी आर जस्ट लीविंग फ्रॉम हियर एंड हम लोगों ने थार ना थोड़ी ऑफ पार्क करी थी, मुश्किल हो जाता है नो लोगों के साथ शूट करना बट सब कुछ हो ही गया फाइनली। अब मेरे को दीदी को घर छोड़ना है बिकॉज दीदी के घर से अल्टीमेटम आ रहे हैं तो इनको कल भी अभी शूट पर सुबह पिक करना है, सो लेट्स गो गाइस।